नमस्ते। तक आप लोग मेरी आंखें नहीं देखेंगे, आपको चैन नहीं मिलता है। थक गई हूँ मैं। जी हाँ, एक मैंने परफॉर्मेंस वीडियो की है, बताइएगा जरूर देखने के बाद। कितनी में कितने परसेंटेज खड़ी उतरी हूँ? और रहा सवाल, मैं मेरा दो तीन प्रॉब्लम है खुद में। मैं मूर्खों के साथ मुँहने लगाती। आई कॉन्ट टीच ट्रिक्स। सो आज का जो मैं फैशन लेके आई हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट होगा, क्रिटिसिज्म होगा। हाय हाय, क्या ये बुक्स लेके दिखा रही है, ये दिखा रही है। मैं थक चुकी हूँ। आप लोग कृपा करके 6 वीडियो देखिए, मेरा फैशन वीडियो मत देखिए। जिन लोगों का ये सब कहना है, उन लोग के उद्देश्य, और जो लोग मेरा फैशन स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, उन लोग को हाथ जोड़ के हर वक्त निमंत्रण आमंत्रण वेलकम। शुरू करती हूँ। मैं अपने खुद के वार्डरोब कलेक्शन से एक और साड़ी लेके आई हूँ। गिरती जा रही हूँ मैं आज। गिरने का कारण भी मैं दिखाऊंगी। साड़ी हालत में ठीक नहीं है। ये है कॉटन ऑर्गेंजा। अभी ऑर्गेंजा का बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी हाँ, ये है कॉटन ऑर्गेंजा। सी थ्रू है ऑर्गेंजा, तो ऑब्वियसली सी थ्रू होता है। बहुत लाइट वेटेड है। इसमें बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें पेस्ता ग्रीन है, इसमें वाइट है, इसमें लाइट लेमन येलो जिसे कहते हैं, एकदम नींबू पीला हो जाता है पक जाने के बाद। इसमें थोड़ा सा स्काई का भी टिंच है, स्काई का भी टिंच है। इसमें वाइट ऑब्वियसली है। इसका ब्लाउज, मैंने जो नॉर्मल ब्लाउज बनाया था जब मैंने ये साड़ी, इसमें कोई ब्लाउज पीस फूटा नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि तब के ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s एंड अर्ली 20s, कि तब के ज़माने में आप 5,000 का भी साड़ी खरीद लो, ब्लाउज पीस नहीं मिलता है। बहुत रेयर होता है, किसी किसी साड़ी में मिल जाता है, लेकिन अभी तो 50 रुपये का साड़ी में भी ब्लाउज पीस मिल जाता है, तो नहीं मिला। तो इसको मैंने बॉर्डर से पिस्ता ग्रीन का मैंने ब्लाउज बनाया था, लेकिन वो मैं इतनी स्ट्रेस्ड थी, इसलिए बीमार थी, इसलिए मैं ऑल्टर नहीं कर पाई हूँ। और फैशन के तौर पे मुझे वो नॉर्मल ब्लाउज है, फैशन के तौर पे मैं और इसके साथ और भी एक्सपेरिमेंट करूँगी। और ये साड़ी ख़राब इसलिए हुआ है क्योंकि एक लड़की मुझसे मांग के ले गई थी साड़ी। उसके बाद जो हालत किया है साड़ी का, मैं कभी किसी को अपना साड़ी में ड्रेसेस नहीं लेती, लेकिन ऐसे किया करती थी ना, तो बाद में मुझे उसका भुगतना पड़ा। बहुत से ऐसे साड़ी है 16,000 20,000 का सब डिज़ाइनर साड़ी लेके, अरे भाई तुम मेरे से 20,000 का साड़ी लेके जा रही हो, पहन रही हो, ठीक है उसको धोखे तो दो। जहाँ भी जा रही है वो साड़ी पहन रही है, तो उसकी साड़ी का कोई इज्जत नहीं। उस साड़ी को मैंने बंद करके, ड्राई वॉश करके बंद करके रख दिया। किसी के पहने हुए चीज़ मैं नहीं पहनूंगी। तो इसका मुझे अचानक से मम्मी का है, ये दोनों खरीदा था मैं और माँ ने। मम्मी को स्पेशली लेमन कलर, येलो कलर बहुत पसंद था, तो माँ ने खरीदा था येलो ऑर्गेंजा। और माँ से ही मुझे मालूम हुआ कि ऑर्गेंजा माँ का भी बहुत फेवरेट हुआ करता था। और ये मेरा है पिस्ता ग्रीन, क्योंकि माँ बहुत गोरी चिट्टी है और मैं सांवली हूँ, इसलिए मैंने पिस्ता ग्रीन लिया है। इसमें बहुत टोटल साड़ी में फ्लोरल कलर है। नाउ कम टू द ब्लाउज, इट्स अ ब्रालेट। कॉन्ट्रास्टिंग में मैंने दिया है क्योंकि साड़ी बहुत पेस्टल है, और इसका जो मैंने ब्लाउज बनाया, इसके साड़ी का कोई ब्लाउज नहीं है। मैं फिर से बोल दूँ, साड़ी का काट के कोई ब्लाउज नहीं है, तो इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, ये है ब्रालेट, फुल नेट का है। इसमें पैलेट दिया हुआ है, मेहंदी ग्रीन बोल सकते हैं, मेहंदी ग्रीन का ब्रालेट है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी ऐप में जाके सर्च कर क्लोविया, ये है ज़िवामे का ब्रालेट। क्लोविया, ज़िवामे, एनमोर, पिटरकैट, सब लवेबल, सब ब्रांड में, बड़े बड़े ब्रांडों में का ब्रालेट है। मेरे पास भी हुआ करता था। कल 5 मेरे हैंडबैग्स उतर दिए। कौन सी वाली कहाँ गई? ये छोटी वाली जिसको मैं रेस्क्यू करके आई थी, अभी उसको मैंने बैग के शोरूम में मैंने दिया है रिपेयर करने के लिए। लेकिन रिपेयर वो तो नहीं होगा जो होना चाहिए, यही मेरी हालत है, कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो ये है साड़ी, बहुत लाइट वेट है, कॉटन ऑर्गेंजा है। उसके साथ मैंने
कंट्रास्टिंग में दिया है, टीम अप किया है ब्रालेट के साथ जो कि है मेहंदी ग्रीन। अच्छा जूतों की बात करूं तो मैंने सिल्वर आज फुटवेयर पहना है, सिल्वर का। क्यों पहना है मैं बता रही हूँ, सिल्वर का मैंने पहना है, ये बेलिस है सिल्वर का, ऐसे गोल्डन का भी है मेरे पास, तो आज मैं सिल्वर लाई हूँ। अच्छा कानों की मैं बात करूँ तो मैंने सिल्वर लुक दिया है, क्योंकि इसके साथ गोल्ड भी जा सकता है सिल्वर, लेकिन मैं पहले सिल्वर ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं किए हैं, तो ये है सिल्वर का लुक मैंने दिया है, स्टोन बीडेड सिल्वर का ड्रॉप्स, और बालों का ये स्टाइल दिया है क्योंकि इसमें क्या है गर्मी के टाइम पे दिक्कतें होती है। मैंने जस्ट परफॉर्मेंस कंप्लीट किया है और मेरे बालों में थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, एक तो कल परसों अगर शैम्पू हो जाता है तो लड़की को खुलाना पड़ेगा, उसके टाइम अनुसार मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और रेन मानसून के सीज़न में ऐसे भी पानी में इतने चिपचिपापन होता है ना, हेयर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस बार लुक मेकअप की बात करूँ तो मैंने शिमर दिया है और आँखों में थोड़ा ग्लिटर दिया, आँखों का कोई मेकअप नहीं है, बेस मेकअप कुछ भी नहीं है, मैंने डायरेक्ट ग्लिटर दिया, कंसीलर टचअप के बाद मैंने डायरेक्ट ग्लिटर दे दिया है। रॉन्जेल का ग्लिटर है, ये रॉन्जेल का ग्लिटर है, और काजल लैक्मे का मैंने आइकॉनिक से किया है। बिंदी की बात करूँ तो ये है बिंदी, ज़ीरो साइज बिंदी, ग्रीन है ज़ीरो साइज बिंदी। हाथों में मैंने कुछ नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है, क्योंकि जब कोई कानों में बड़ा रखता है, एंड वेन यू आर टाइंग योर हेयर एंड वेन यूजिंग बिग ड्रॉप्स इन ईयर्स, यू नीड टू गो फॉर बेयर लुक्स, मतलब जितना हल्का से हल्का एक्सेसरीज होगा उसके लिए। तो जहाँ तक मैंने ग्रीन कलर का ब्रालेट पहना है तो उसी के साथ मैरियो पॉश का मैंने नेल पेंट्स दिया है, बर्तन घिसते घिसते नाखून और बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैंने ये कॉन्ट्रास्टिंग के साथ बैलेंस होना चाहिए कि लोगों की नज़र हेड टू टो अप पर पड़े, तो दिस इज अ लुक। और मैंने इसका भी बंदोबस्त किया है कि अगर मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। ये है प्योरली पार्टी लुक, ये कोई बाहर शॉपिंग जाने का लुक नहीं है, पहले से बता दूँ। शॉपिंग जाने का लुक इस साड़ी में आई डोंट नो होगा कि नहीं, क्योंकि ऑर्गेन्जा स्पेशली पार्टी लुक्स के लिए होता है, अगर कोई अपने हिसाब से करना चाहे तो कर सकते हैं। दैट्स द फाइनल लुक। और ये गले में कुछ मैंने रखा नहीं है क्योंकि अभी परमानेंटली गले में ये रखेगा, मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया कि 6 महीने का मेहनत है, मैंने छोड़ा छोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में ये बनाया था और ये ज़रूरी था एस्थेटिकली, क्योंकि मेरे चाहने वाले से ज़्यादा मेरे ना चाहने वाले की कमी नहीं है। एक पेंडेंट है, येलो सफायर है, और नो स्पिन, बहुत लोग बोलते हैं आप नो स्पिन के चेंज क्यों नहीं करते, ये भी एक एस्थेटिक कारण है, लेकिन करूँगी, कभी करूँगी, ये नहीं कि मेरे पास नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से टैटू अभी भी है, 10 करोड़ खो के भी अभी भी है, देखते हैं बाकी क्या क्या मिलता है। तो जस्ट से हाउ आई एम लुकिंग, मैंने बॉडी में शिमर का वो स्प्रे दिया है, वो जो हेयर एंड बॉडी स्प्रे होते हैं, मैं बालों में मैं कुछ नहीं देती, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, मैं जब प्रोफेशनली मॉडलिंग करती थी इतना ज़्यादा मतलब उल्टा कोमिंग करके टेंगल क्रिएट करना, उसके बाद स्प्रे मारना, उसके बाद जेल मारना, बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होता है। जो भी सेलिब्रिटी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं वो लॉन्ग हेयर लॉन्ग टाइम के लिए कैरी इसी नहीं करते, इतना ज़्यादा हेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट मेरे भी हुए थे, तो मैं अभी कुछ नहीं करती, मैं सिंपल रखती हूँ जितना सिंपल हो सके, और आज का लुक मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि मेरी ये साड़ी को पूरा भद्दा बना दिया उस लड़की ने, अभी मेरे मोहल्ले में नहीं रहती है, लेकिन जब रहती थी उसको हर वक्त मेरी साड़ियाँ चाहिए, खरीदने की औकात है लेकिन खरीदेगी नहीं। ये है ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा का और भी मैं बहुत सारे पैटर्न्स लाऊंगी, आज शुरू किया मैंने कॉटन से, और बहुत सारे प्रिंट्स में लाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी माँ का भी वो लेमन येलो वाला प्रिंट लाने के लिए कुछ और लुक्स में,
इसको भी मैं प्लीट्स के लिए लाऊंगी, आप लोग प्लीट्स मतलब जो वो प्लीट्स होता है ना रफ प्लीट, आप लोग पसंद किया है, एक्सेप्ट किया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज स्टार्टिंग में ही ऐसा किया है, फिर से लाऊंगी एक और फैशन वीडियो। आज के लिए यही रैपअप करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पैरों की हालत कितनी ख़राब हो गई है। 24 दिसंबर लास्ट ईयर 2023 को क्या हुआ था सभी को मालूम है, थोड़ा सा जिस्ट में फिर भी बता देती हूँ। टिंकू सपोई एंड फैमिली ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी और मैं बाहर विदाउट ये सपोर्ट चल नहीं पाती हूँ। तो मैं मेरे जो पहले वाले आप लोगों ने फोटो में भी देखा होगा, पहले वाले जो वॉकिंग स्टिक था वो टूट गया था, बहसबाजी में ज़मीन में घिसक के टूट गया था। तो फारूक जी यहाँ हमारे कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बोल के जगह है, वहाँ सब ये सब एसेसरीज, वहाँ के पास ही के लोकेलिटी में ये सब एसेसरीज मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मत मंगवाओ, वो मैं एक्चुअली वो मंगवाया था मैंने माँ के लिए, जिस दिन आया दो दिन बाद ही माँ गुजर गई, तो वो लाए गए, अभी तक मैंने खोला नहीं, लेकिन इसमें हो गया, इसका श्रीगणेश हो गया, नाखून मार दिया, दांत मार दिया, चबा दिया, तो ये लाई हूँ मैं दिखाने के लिए कि मैं अपाहिज हूँ। मैंने आप लोगों का जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इससे पहले मैंने स्टेरॉइड्स लिए वगैरह, इंजेक्शन लिया है, बहुत सारे पेन किलर्स लिया है, मैं जानती हूँ ये कोई भी है मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अब चॉइस नहीं है। मैनी मैटर्स इफ नॉट फॉर मी बट फॉर देम, मैंने जब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अभी मिड ऑफ द वे मैं इन लोगों को बाहर छू रोक तो नहीं पाऊंगी, ज़्यादा और एडप्ट कर पाऊंगी या नहीं वो भगवान के ऊपर है, लेकिन जिन लोगों को घर में रखा है उन लोगों को खान पीन के लिए मुझे तो पैसा चाहिए है, तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ये प्रूफ। आप लोगों ने पहले भी एक देखा था पिक्चर में, एक रेड कलर का ड्रेस पहन के मेरा, और ये मेरा नया वॉकिंग स्टिक आया है जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। यहाँ मैं रख देती हूँ, बच्चे लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं, और दिस माय फाइनल लुक। आज के लिए ये वीडियो रैपअप करती हूँ, मिलती हैं और एक वीडियो में, नमस्ते।